ट्रेंड पर शकी रसोई में आप सभी का स्वागत है। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल आम आ रहे हैं बढ़िया, तो मैं कच्चे आम लेकर आई हूँ और इसका बनाऊंगी ऐसा अचार जिसमें एक बूंद भी तेल नहीं डलेगा। हाँ जी, बिना तेल का अचार जिसको आप आराम से शेल्फ पे रख सकते हैं और एक साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हमें कच्चा आम क्यों खाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आम लिए, उनको छील लिया, ये कच्चे आम है, टाइट आम लीजिए, उनको ऐसे छील लीजिए। छीलने के बाद उसका पल्प का इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे। कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, सब कह रहे हैं कि आयरन खाइए आप, कैल्शियम खाइए। आयरन और कैल्शियम सबसे ज्यादा कच्चे आम में होता है और सबसे बड़ी बात, स्वाद बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, हमारी अपच कम करता है। कोई एक रोटी कम खा रहा होगा, अचार रख देंगे ना आप, तो एक रोटी फालतू खा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ कॉन्शियस लोग जिनको ऑयल नहीं खाना, बिना एक बूंद तेल की डाली अचार बनने वाला है, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये मैंने 1 किलो आम लिए थे और इसमें करीब 800 ग्राम के करीब इसमें गूदा निकल गया है। 1 किलो में हमें डालना होता है 100 ग्राम नमक। इस हिसाब से इसमें 100 ग्राम से थोड़ा सा कम नमक आप तोल कर डालिएगा। 1 किलो में 100 ग्राम के हिसाब से इसमें नमक डालना है। इसमें नमक डालना है आपको, और नमक डालने के बाद अच्छी तरह आप इसको मिला देंगे और रात भर इसको ढककर रख देंगे। सुबह क्या होगा कि ये पानी छोड़ देगा, उस पानी को आप छान लेंगे छलनी में, उस पानी को फेंकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि वो पानी फिर से इसी अचार में डलने वाला है। छानना क्यों है? क्योंकि हमें एक छोटा सा कपड़ा बिछाना है, साफ सुथरा धुला हुआ सूती कपड़ा बिछाइए, ऊपर छत पर चटाई बिछाकर, और उस पर इसको 2-3 घंटे की आराम से, अगर तेज धूप हो ना तो कम से कम 3 घंटे इसको धूप में रखिएगा। पानी भी धूप में रखिएगा ढकने के बाद, क्योंकि वो पानी इस अचार में डलना है, फेंकना नहीं। 3 घंटे धूप दिखाने के बाद इसको नीचे ले आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। को छान के धूप पे रख दिया है, अभी ये थोड़ा सा पानी निचुड़ जाएगा तो इसको कपड़े पर फैला देंगे। ये आम को मैंने धूप में सुखा दिया है, 3-4 घंटे ये आराम से सूख गए हैं और बहुत अच्छे हो गए। और ये पानी जो इसको छान के निकाला था, ये रहा, ये पानी इसी में डलेगा। फ्रेंड्स, मैं ऊपर से उठा लाई हूँ, ये सूखे हुए आम बिल्कुल सूख गए हैं। ये देखिए 3-4 घंटे की कैड़ी धूप लगाई है मैंने इसको, और पानी भी इसका धूप में रख दिया था, ये भी जमा जमा सा हो गया है। अब मैं इसको वापस इसमें डाल दूंगी पानी में, और इसमें मेरे को सिर्फ क्या डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हींग। ये देखिए बस 2 ही चीजें इसमें डालनी है और इसको अच्छे से मिला देना है। इसमें कोई तेल नहीं डलेगा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा। ये दादी माँ का नुस्खा है, ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही अच्छी हींग की खुशबू आती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और वरना तो मैं तो इसको ऐसे ही चलते फिरते टॉफी की तरह खा जाती हूँ, चूरन की तरह खा जाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इसमें हम दबा दबा कर इसको भर देंगे, और ये करीब 800 ग्राम पल्प था, 800 ग्राम आम थे जो कि इतने सी डब्बी में अब आ गए हैं, और ये दबा दबा कर आप इसी तरह भर दीजिएगा और इसको रख दीजिए, कुछ भी इसका बिगड़ेगा नहीं। इसमें कोई तेल की, प्रिजर्वेटिव की, विनेगर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मुझे आपके प्यारे कमेंट्स का हमेशा से इंतजार रहता है। ये देखिए कितना शानदार अचार है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिना तेल का अचार पहली बार खाएंगे शायद आप। बनाइएगा जरूर, खाइएगा जरूर, मेरी दादी माँ की रेसिपी है। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।